हम इस साल K2 विंटर एक्सपीडिशन 2020-21 में थे और हम 5 दिसंबर को इधर से निकले थे और 5-10-12 दिसंबर को K2 बेस कैंप पहुंचे थे। और हम दो पाकिस्तानी थे, वालिद अली सतपारा और मैं, जो इस साल K2 की मुहिम जो भी पर थे। और बदकिस्मती से हम ट्राई कर रहे थे, हमारा फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट था K2 क्लाइंब करने का। और अभी हम जो समेट पूछ 5 फरवरी को हमने नाइट को स्टार्ट किया था, कोई 11-12 बजे नाइट को, तो मैं बोतल नेक पे, मैं वालिद जॉन स्नोरी और दूसरा एक चिली का एक हाँ पाब्लो, 4 क्लाइंबर्स थे। और बाकी जो सारे शर्पास और यूरोपियंस थे वो भी नीचे आ रहे थे। बदकिस्मती से मैं विदाउट ऑक्सीजन था और 8200 पे पहुँच कर मुझे एहसास हुआ कि इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासर हो रही है और मेरा कोई मेंटल वो भी सही नहीं था। इसलिए वालिद ने कहा कि मैंने वो एक ऑक्सीजन कैरी किया था मेंबर के लिए, उसको यूज़ करो आप। लेकिन मैं उसको यूज़ करने के लिए वो ऑक्सीजन का जो मास रेगुलेटर है उसको फिट कर रहा था कि वो लीक हो गया और मैं नीचे आ गया। बदकिस्मती से मेंटल इतना वो सही नहीं था, तो आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8200-300 मीटर पे। और मैं कोई 12 बजे के करीब बोतलनेक से वापस आ रहा था और मैं शाम को 5:00 पर केम्प्री पे पहुंचा हूँ और वाकी टाकी पे कांटेक्ट किया कि मैं इधर पहुंचा हूँ बेस कैंप पे और वालिद और जो दूसरी टीम है वो समिट के लिए जा रही है। और उनके पास कोई वाकी टाकी का वो नहीं था, वाकी टाकी नहीं था और उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो गया। बाद में वो शाम को मैंने कहा कि वो वापस आएंगे उधर समेट करके, तो मैं उनको पानी शानी बना के रात को इंतज़ार करूंगा और टेंट का लाइट भी जला के रखा कि रोशनी देख के वो नीचे आ जाएंगे। और सुबह फिर वो रात भर जागा बैठा और सुबह फिर मैंने कांटेक्ट किया वो बेस कैंप वालों से कि वो नहीं पहुंचे अभी तक। तो फिर वो दूसरा वो एक बेस कैंप लीडर था, उसने कहा कि वेदर अच्छा नहीं है, आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, कंडीशन अच्छा नहीं है क्योंकि आप ऊपर नहीं जा सकते, बेहतर यही है कि आप थके हुए हैं कि नीचे आ जाओ, हम इधर से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करेंगे। बदकिस्मती से वो अगले दिन भी नहीं पहुंचे और उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो गया। मुझे लगता है कि वो सिमेट करके वापसी पे आए हैं नीचे और वो विंड भी था उस नाइट को, उस तरह कुछ पसाइल हो गए उनके साथ। जी, जो पाक आर्मी, जो दूसरे हमारा SPR और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है हमारी GB की और पाकिस्तान लेवल की जो गवर्नमेंट है, उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर स्टेप पे ताउन किया और 2 दिन से वो आर्मी के हली रेस्क्यू मिशन में आते रहे और उन्होंने 7000 समथिंग और 8000 के करीब फ्लाई की और बहुत ताउन किया। शुक्रिया, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। और क्लाइंबर्स कम्युनिटी, स्पेशली जो आइसलैंड की जो क्लाइंबर्स कम्युनिटी है, जॉन स्नोरी की फैमिली और खां पाब्लो चिली का जो क्लाइंबर्स था, उनका भी बहुत इंतहाई शुक्रगुजार है कि उनका भी ताउन लम्हा बा लम्हा हमारे साथ जारी रहा। थैंक यू वेरी मच। और पूरी कौम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दुआएं और उनका ताउन हमारे साथ रहा। शुक्रिया। ऑपरेशन जारी रहना चाहिए आपका? मेरे ख्याल में ऑपरेशन, अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से पट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है।